हाय फ्रेंड्स, इट्स समीर हियर और समझ रही हूँ, मैं आपका स्वागत है। दोस्तों, मी बैंड 4 को लॉन्च होकर एक साल हो चुका है ऑलमोस्ट, और मैं इसे पर्सनली एक साल से रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ। और आपको न्यूज़ तो पता ही होगा, मी बैंड 5 जो है वो जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, जून 2020 में मी बैंड 4 को परचेस करना कितना वर्थ रहेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन माई 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, अगर आप एक न्यू मी बैंड 4 परचेस करने की सोच रहे हो आज की तारीख में, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइस, आपको काफ़ी मदद इसमें से मिल सकती है। और दोस्तों, अगर आपको इस बैंड को परचेस करना है तो परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप पास से चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करें हम इसके बिल्ड क्वालिटी से। तो आपको बता दूं, इसका जो बैंड है ये सिलिकॉन का, ये 8 महीनों तक सही से चला, बट उसके बाद गाइस ये ब्रेक हो गया। ये रिप्लेसमेंट बैंड है, आपको बता दूं गाइस, इस पॉइंट से ये ब्रेक हुआ था ओरिजिनल बैंड, सो प्लीज नोट दैट। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो जो कैप्सूल है, ये कॉन्स्टेंटली निकालने से ये जो स्ट्रैप है इस साइड पर भी थोड़ा लूज हो जाता है। कैप्सूल की बात करें तो दोस्तों, आप देख सकते हो कोई भी मेजर यहाँ पर वियर एंड टियर नहीं है। सब जो चार्जिंग पॉइंट्स है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, 2 स्क्रैचेस हैं। ये जो स्क्रैचेस है ये चार्जिंग डॉक में लगाते वक्त हो जाते हैं, बट दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। उसके बाद दोस्तों, ये जो मेन डिस्प्ले है यहाँ पर आपको कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न बीन, मैंने इस पर स्क्रीन गार्ड लगा के रखा है ऑलरेडी, इसका मैंने रिव्यू भी किया है, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं। सो इसके कारण दोस्तों, आप देख सकते हो जो स्क्रीन है कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है, और स्क्रीन गार्ड भी दोस्तों पिछले 6 महीने से ज़्यादा चल रहा है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके चार्जर की, तो आपको बता दूं गाइस, इसमें भी प्रॉब्लम आ चुके थे ऑलरेडी, मैंने बताया था मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। चार्जर के जो बाउंड्रीज है ये थोड़े से फैल गए थे, इसकी वजह से गाइस कैप्सूल इसके अंदर ठीक से फिट नहीं हो रहा था। तो फिक्स दैट, मैंने इस चार्जर को डक्ट टेप लगा के 2 दिनों तक रखा और ये फिर से रीशेप हो गया। ऐसा 2 बार मैंने किया है इन टोटल ऑफ 1 ईयर, सो प्लीज नोट दैट। सो ये था वियर एंड टियर का अपडेट ऑन द बिल्ड क्वालिटी आफ्टर यूजिंग इट फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट दोस्तों, आपको मैं डिस्प्ले के वियर एंड टियर के बारे में बताना चाहूंगा। तो आप देख सकते हो, जैसे ऑलरेडी मैंशन किया है, इस पर स्क्रीन गार्ड है, तो मेन डिस्प्ले पर फिजिकली कोई भी डैमेज नहीं है। इसका जो टच रिस्पॉन्स है गाइस, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, जस्ट लाइक द न्यू वन। इसकी जो ब्राइटनेस है अभी मैक्सिमम मोड पे सेट है, और आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, कोई भी इसमें मुझे ड्रॉप नोटिस नहीं हुआ है। आउटडोर विजिबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया है। वॉच फेसेस की बात करें इसमें, तो गाइज आपको पता ही है इसमें काफ़ी सारे वॉच फेसेस इनबिल्ट मिलते हैं आपको। इसके अलावा कस्टम वॉच फेसेस भी आप काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्लस गाइज, इसमें आप अपना खुद का गैलरी का वॉलपेपर भी इंस्टॉल कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो डिस्प्ले सेक्शन गाइस, इसका काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और अपडेट होता रहता है, विच इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो इंटरफेस है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम रहा है, कोई भी इसमें मेजर इंप्रूवमेंट या फिर मेजर चेंजेस नहीं है। बट गाइस, आपको कस्टम रॉम इंस्टॉल करने का इसमें ऑप्शन मिलता है, सो आप अपने फेवरेट रॉम जो है, फेवरेट थीम्स इसमें इंस्टॉल कर सकते हो एज पर नीडेड। ये जो फैसिलिटी है, फीचर है कस्टम रॉम और कस्टम थीम का, ये दोस्तों आपको किसी भी और फिटनेस बैंड में देखने को नहीं मिलेगा, स्पेशली बजट फिटनेस बैंड्स में। इसका जो कंट्रोल पैनल है या फिर जेस्चर्स, इसमें कोई भी डिफरेंस या फिर इम्प्रूवमेंट या फिर अपडेट्स नहीं आए हैं। बस गाइस, इसका जो लुक्स है, अपीयरेंस, थीम में आप बदलाव कर सकते हो, सो ये बात आपको नोट करनी है। नेक्स्ट इज द हेल्थ सेक्शन। इसमें दोस्तों, स्लिप ट्रैकर की बात करें तो 1 साल हो चुका है, अभी तक कोई भी स्लिप ट्रैकिंग का टैब इसमें नहीं आया है। आप देख सकते हो मेन इंटरफेस में स्लिप ट्रैकिंग का टैब नहीं है, हालांकि गाइज इस बैंड में स्लिप ट्रैकिंग का फीचर है, जिसे आपको एप्लीकेशन की मदद से ही एक्सेस करना होगा। आप देख सकते हो सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्यूरेसी की बात करें दोस्तों इसकी, तो मैं कहूँगा ये मैक्सिमम 90% एक्यूरेट है, which is not very great compared to the competitions like Honor Band 5। और दोस्तों, 1 साल हो चुका है लगभग, अभी तक इसमें डे टाइम स्लिप ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं आया है। Honor Band 5 में ऑप्शन है, इनफैक्ट गाइज Honor Band 4 में भी ये ऑप्शन था, जो कि 1 साल पुराना बैंड है कम्पेयर टू दिस। स्टिल दोस्तों, आपको इस बैंड में ये डे टाइम स्लिप ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा। उसके बाद दोस्तों, बात करें हम इसके हार्ट रेट ट्रैकिंग की, तो अगर मैन्युअली आप इसे चेक कर रहे हो तो पहले ये काफ़ी स्लो था, अभी फर्मवेयर अपडेट्स की मदद से गाइज ये काफ़ी फास्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है इसकी स्पीड टू काउंट मैन्युअली। नेक्स्ट दोस्तों, आपको 24 आवर मोड भी मिलता है, जिसमें से आप कस्टम फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हो। बट गाइज अगेन, इसमें भी कोई भी स्मार्ट ट्रैकिंग का फीचर नहीं आया है, जैसे आपको Honor Band 5 में मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप इस बैंड को नॉर्मली टेबल पर रेस्ट भी करते हो तो भी ये हार्ट रेट कंटिन्यूसली मेजर करता रहेगा, एक्चुअल रीडिंग ये मेजर नहीं करता। बट आप देख सकते हो इसका जो सेंसर है ऑन रहता है, इसकी वजह से बैटरी कंजम्पशन हो जाता है। हार्ट रेट ट्रैकिंग जो इसका, वो काफ़ी एक्यूरेट है कम्पेयर टू द स्लिप ट्रैकर, 95% तक मैं कह सकता हूँ ये एक्यूरेट है। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको हेल्थ सेक्शन में देखने को मिल सकती है, ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इंप्रूवमेंट्स हो चुके हैं। बट स्टिल गाइज, ये Honor Band 5 के कंपैरिजन में पीछे रहता है, एक्यूरेसी जो है Honor Band 5 की इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद दोस्तों, बात करेंगे हम इसके वर्कआउट मोड की, तो इसका जो पेडोमीटर है गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, ये Honor Band 5 के कंपैरिजन में इक्वली एक्यूरेट है।
अगर आप इसके वर्कआउट मोड्स जो हैं इसमें रनिंग यूज़ करते हो या फिर वॉकिंग यूज़ करते हो एट टाइम्स ट्रेडमिल, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट कोई भी दूसरी एक्सरसाइज यूज़ करते हो तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, यू कांट रिलाई ऑन दोज डेटास। और ये जो एक्यूरेसी है गाइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई है। जो फर्स्ट डे आपको एक्यूरेसी मिल रही थी सेम एक्यूरेसी आज भी आपको मिलती है। सो पेडोमीटर आप रनिंग वॉकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, रेस्ट कोई भी एक्सरसाइज आप सीरियस यूज़ के लिए कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें हम इसके नोटिफिकेशन फीचर की, तो दोस्तों जो फर्स्ट डे आपको फीचर्स मिलते थे वही सब आज भी है, कोई भी इंप्रूवमेंट या फिर कोई चेंजेस इसमें नहीं है। कॉल नोटिफिकेशंस आपको आते हैं, अब जो कॉल है इस बैंड से रिजेक्ट कर सकते हो या फिर फ़ोन पे साइलेंट कर सकते हो। कॉल फ़ोन पे रिजेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन आपको इस बैंड में नहीं मिलता। टेक्स्ट नोटिफिकेशंस की बात करें तो आप सारे नोटिफिकेशंस देख सकते हो, सारे डिटेल्स वर्ड टू वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे चीज़ें आपको एक साल पहले भी मिलती थी, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। फाइनल दोस्तों बात करें हम इसके बैटरी बैकअप की, तो दोस्तों इसे मैं एक साल से यूज़ कर रहा हूँ ऑन द रेगुलर बेसिस। पहले दिन या फिर पहले कुछ महीनों में इसका जो बैटरी बैकअप था, अगर हेवी यूजेस कर रहा था मैं, जैसे कि इसका जो हार्ट रेट मॉनिटर है 24 आवर्स ऑन है, उसके बाद स्लीप ट्रैकिंग ऑन है, दिन में अगर आधे से एक घंटे तक एक्सरसाइज करता हूँ, तो जो बैटरी डिप्लीशन हो रहा था वो 10% था और उसके हिसाब से लगभग 10 दिनों तक का बैटरी बैकअप मिल रहा था ऑन हेवी यूज़। अभी आप देख सकते हो 11% कंज्यूम हो चुका है, मैंने इसे कल इसी टाइम पर चार्ज किया था 100% और आज मैंने वर्कआउट मोड भी यूज़ नहीं किया है, स्टिल 11% जो है इसका बैटरी कंजम्पशन हो चुका है। वर्कआउट मोड यूज़ करते हो तो 15% तक जा सकता है। गोइंग बाय दैट रेट गाइस आपको मैक्सिमम इसमें से जो बैटरी बैकअप मिलेगा डैट वुड बी ऑफ 6 to 7 days। सो 3 दिन का आपको डिप्लीशन या डिग्रेडेशन एक साल में देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसे नॉर्मली यूज़ करते हो, ब्लूटूथ जो है कंटिन्यूसली ऑन रहता है बट हार्ट रेट ट्रैकिंग ऑन नहीं रहता, तो आपको पहले जो है 15 दिनों तक का बैटरी बैकअप मिलता था, अभी वो भी 3 से 4 दिनों तक कम हो चुका है। ये आपको 11 से 13 दिनों तक का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा ऑन लाइट यूजेस। और अगर आप इसे ऑफलाइन मोड पे यूज करते हैं तो ये 15 दिनों के ऊपर का बैटरी बैकअप आपको देगा। सो दोस्तों 1 ईयर के कंटिन्यूस यूज के बाद लगभग 3 दिनों तक का बैटरी बैकअप इसमें डिप्लीशन दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों आपने देखा ये था इस बैंड का डिटेल रिव्यू आफ्टर यूजिंग ऑलमोस्ट फॉर 1 ईयर। पर्सनली ये कहूंगा कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, बट अगर आपको एक एक्यूरेट फिटनेस बैंड परचेस करना है तो आप ऑनर बैंड 5 के साथ जाएं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। बट अगर आपको कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस, थीम्स और बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो ये आप मी बैंड 4 के साथ जा सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इस बैंड को परचेस करना है तुरंत, तो ही आप इसे अभी परचेस करें। मी बैंड 5 जो है वो मोस्टली जून एंड या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो सकता है और तुरंत ही आपको शिपिंग के साथ अवेलेबल हो जाएगा, तो आप तभी रिस्क मत लेना। मी बैंड 5 में शायद हो सकता है कुछ और फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, तुरंत आपको परचेस करना है तो ही मी बैंड 4 आज के डेट में परचेस कर लो। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ यस देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो रेड बटन है उसे क्लिक करें या फिर यहां पर आप क्लिक कर सकते हो और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे अपलोड किए गए सारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।